राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान सामने आया। बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपने बयान में कहा कि पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है और यूपी में तो एक तरफ लहर है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी मय माहौल है और 80 की 80 सीट बीजेपी जीत रही है। वहीं विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की रैली का डेली सोप दिल्ली में देखने को मिला। ये पीएम पर चाहे जितना हमला कर ले, लेकिन पीएम मोदी को नहीं रोक सकते। साथ ही उत्तर प्रदेश में मोदी जी गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब रहे हैं। उनकी योजनाओं से गरीब को निरंतर लाभ मिल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर समाज मिल रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य में तो हम कह सकते हैं कि एकदम एकतरफा लहर चल रही है। यहाँ विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से लाभ साबित हो रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रथम चरण का नामिनेशन पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण के नामिनेशन चल रहे हैं। प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण के कई लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन में हमें खुद शामिल होने का अवसर मिला। इसके अलावा कई जगह हमने लोकसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भगवा में, भाजपा में, मोदी में माहौल है। 80-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ विजय की ओर बढ़ रही है।